राधिका आप्टे एक के बाद एक वेब सीरीज में काम किए जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे राधिका को और पॉपुलैरिटी मिल रही है, राधिका आप्टे के नखरे भी सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, हुआ यूं कि राधिका आप्टे एक फैशन इवेंट पर पहुंची, लेकिन यहाँ राधिका मैडम के टेंट्रम खत्म नहीं हो रहे थे। दरअसल इस इवेंट पर जब राधिका से पूछा गया कि आपको कमर्शियल फिल्मों में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, तो इस सवाल को सुनते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर राधिका का मूड इतना खराब हो गया कि उन्होंने अपने पीआर टीम को इंटरव्यू बंद करने का फरमान दे दिया। उसके बाद राधिका आप्टे ने पूरे इंटरव्यू के टाइम मीडिया से रूखा रूखा बिहेव किया। लेकिन हम तो राधिका को यही समझाएंगे, जरा सी कामयाबी के बाद इतने तेवर दिखाना अच्छी बात नहीं है। आपको बता दें कि राधिका आप्टे आजकल कमर्शियल फिल्मों से दूर हैं, लेकिन इन दिनों नेटफ्लिक्स पर राधिका के शोज वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं और राधिका की एक्टिंग भी जबरदस्त साबित हुई है, चाहे वो सेक्रेट गेम्स हो या फिर घोल। हर सीरीज में राधिका की एक्टिंग दमदार है। अब जो भी हो, राधिका आप्टे को करना चाहिए अपने नखरों पर काबू। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। राधिका आप्टे एक के बाद एक वेब सीरीज में काम किए जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे राधिका को और पॉपुलैरिटी मिल रही है, राधिका आप्टे के नखरे भी सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, हुआ यूं कि राधिका आप्टे एक फैशन इवेंट पर पहुंची, लेकिन यहाँ राधिका मैडम के टेंट्रम खत्म नहीं हो रहे थे। दरअसल इस इवेंट पर जब राधिका से पूछा गया कि आपको कमर्शियल फिल्मों में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, तो इस सवाल को सुनते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर राधिका का मूड इतना खराब हो गया कि उन्होंने अपने पीआर टीम को इंटरव्यू बंद करने का फरमान दे दिया। उसके बाद राधिका आप्टे ने पूरे इंटरव्यू के टाइम मीडिया से रूखा रूखा बिहेव किया। लेकिन हम तो राधिका को यही समझाएंगे, जरा सी कामयाबी के बाद इतने तेवर दिखाना अच्छी बात नहीं है। आपको बता दें कि राधिका आप्टे आजकल कमर्शियल फिल्मों से दूर हैं, लेकिन इन दिनों नेटफ्लिक्स पर राधिका के शोज वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं और राधिका की एक्टिंग भी जबरदस्त साबित हुई है, चाहे वो सेक्रेट गेम्स हो या फिर घोल। हर सीरीज में राधिका की एक्टिंग दमदार है। अब जो भी हो, राधिका आप्टे को करना चाहिए अपने नखरों पर काबू। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।